हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल यूपीएससी लाइफ में। हम लोग सोशियोलॉजी ऑप्शन को कवर कर रहे हैं, उसी के कंटिन्यूएशन में रॉबर्ट मर्टन के अगले सिद्धांत को हम लोग जानेंगे कि वह अपने अगले सिद्धांत में हमारे एग्जाम के लिए कौन सी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। तो हमारा अगला सिद्धांत है अनुरूपता एवं विचलन का। वह कहते हैं कि समाज में जो अनुरूपता होती है या विचलन होता है, वह कहीं ना कहीं मानवीय या मनोवैज्ञानिक दशा के कारण ही होता है। अगर हमारा मन परेशान होता है तो कहीं ना कहीं कोई सामाजिक स्थिति होती है या फिर कोई ऐसा कारण होता है जिससे हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं। जब कभी भी हमारा कंफर्ट जोन हमारे लिए नहीं होता है तो हम क्या विचलित हो जाते हैं। जैसे कि अगर मेरे माँ बाप की तबीयत खराब हो तो क्या होगा, मन विचलित हो जाएगा। तो वही बात जो है वो अपने सिद्धांत में समझाते हैं कि यह जो सामाजिक संबंध है वह किस प्रकार से विचलन के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। इसको समझने से पहले मैं आपको एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से इस पृष्ठभूमि को मजबूत करूंगा, अनुरूपता और विचलन को। पहले विचलन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये विचलन कब होता है और क्यों होता है। एक होता है हमारा कंफर्ट जोन होता है, जैसे कि अगर हम अपने एक कमरे में पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब हमें उससे बेहतर कमरा मिल जाए फिर भी क्या करते हैं कि मन पढ़ाई में नहीं लगता है, क्योंकि हम उसके अनुकूल ढल चुके हैं। यानी कि जहां पर अनुकूलता नहीं होगी वहां पर विचलन होगा, मन परेशान होगा। जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको सिर्फ अपने बिस्तर पर ही नींद आती है, दूसरों के कमरे पर या दूसरों के बिस्तर पर उन्हें नींद नहीं आती है। कहते हैं भाई जितनी देर कहोगे उतनी देर तो रह तो लेंगे, लेकिन सोएंगे अपने बेड पर ही या अपने कमरे पर। तो ये क्या होती है, अनुकूलता। अनुकूलता और विचलन ये एक दूसरे की परस्पर क्रिया है। जहां पे अनुकूलता होगी वहां विचलन नहीं होगा, विचलन तभी होगा जहां अनुकूलता नहीं होगी। दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है लिविंग रिलेशनशिप। इसको मैं इसीलिए रिलेट करना चाह रहा हूं क्योंकि ये अमेरिकन अर्थशास्त्री थे और कहीं ना कहीं ये सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक संबंधों के ऊपर उन्होंने काफी फोकस किया है। तो लिविंग रिलेशनशिप में क्या हो रहा है कि अब साथ में रहने की आदत हो जाती है। एक तरीके से लिविंग को ना, या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन मान ले, तो यहां पर क्या हो जाता है कि साथ में रहने की आदत हो जाती है। और ये आदत अगर बरसों की हो जाए, 2-3 सालों की हो जाए, तो जब वो ब्रेकअप होता है तो वो क्या होता है, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है और यहीं पर क्या हो जाता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ना लड़की शादी कर पा रही है दूसरे लड़के से, ना लड़का दूसरे लड़के से शादी कर पा रहा है। प्रॉब्लम क्या है, ये इनका कंफर्ट जोन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अनुकूल हो गए हैं। इन दोनों को एक दूसरे की कंपनी जो है अच्छी लग रही है, लेकिन इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी तो ये दोनों अलग अलग लड़के से या लड़की से शादी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि कहां, जहां पर कंफर्ट जोन होगा वहां पे विचलन नहीं होगा, और जैसे ही कंफर्ट जोन खत्म होगा वैसे ही परेशान हो जाएंगे। जैसे कि अब गर्मी में क्या होता है, लाइट जब तक आ रही है तब तक परेशान नहीं होते, जैसे ही लाइट चली जाती है वैसे ही परेशान हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर इनका कहने का यही मतलब है कि ये अनुकूलता और विचलन ये दोनों एक ही स्तंभ पर है। अनुकूलता रहेगी तो विचलन नहीं होगा, ठीक है, और अनुकूलन नहीं होगा, कंफर्ट जोन नहीं होगा तो विचलन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये बात आपको याद रखनी है कि किसी भी समाज में ये जो अनुकूलन और विचलन है ये बहुत प्रभावित करते हैं।
मर्टन ये कहते हैं कि सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक संरचना में, समाज की जो सांस्कृतिक संरचना है उसमें समाज के लक्ष्यों और हितों का निर्धारण होता है, जबकि सामाजिक संरचना सिर्फ उन्हीं अवसरों को दर्शाती है जो व्यक्ति के संस्थागत साधनों के द्वारा सांस्कृतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियमित करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं इनके जो लक्ष्य हैं, इनका जो कंफर्ट जोन है, उनको बहुत विचलित करता है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि 1 से 30 तारीख तक नौकरी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगली 1 तारीख को सैलरी आएगी। सैलरी नहीं आती है तो मन परेशान हो जाता है, विचलित हो जाता है। अरे भाई, सैलरी नहीं आई तो काम कैसे चलेगा? यानी कि टाइम पर सैलरी ना आने की वजह से हमने उम्मीद क्या लगाई थी, 1 तारीख को सैलरी आएगी, लेकिन आई नहीं 1 तारीख को सैलरी, तो हमारा मन क्या हो गया, विचलित हो गया, परेशान हो गया। इससे क्या होगा, कलह होगी, अशांति होगी। पत्नी कहेगी कि मुझे जो है ये सामान चाहिए, तो कहेंगे अरे मैं अभी कैसे सामान ला दूं, मेरे पास पैसा नहीं है। तो पत्नी क्या कहेगी, मेरे पास तुम्हारे पास तो हमेशा पैसा नहीं रहता है। तो ये कहीं ना कहीं जो अनुकूलता और विचलन है, ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। और इससे क्या होगा, संबंध जो है वो खराब होंगे, सामाजिक दशाएं जो है वो खराब होंगी, और इसका परिणाम क्या होगा जो विसंगति वाला है, हमने पढ़ा था विसंगति, वो किन परिस्थितियों में आती है, वो किन कारणों से आती है। मर्टन के अनुसार जो है सामाजिक वर्ग संरचना जो है उसमें कुछ व्यक्तियों को मान्य साधनों के द्वारा जो है सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकती है, जैसे कि निम्न वर्ग को, लोगों की निम्न परिस्थिति और निम्न आय उन्हें आर्थिक सफलता के लक्ष्य की प्राप्ति से रोक कर विचलित व्यवहार की ओर उन्मुख करती है। अब ये चाह कर भी जो गरीबी है वह क्या कर सकती है, उनके खर्च को, उनके संसाधनों को यूज करने से रोकती है। अगर हम 10 रुपए कमाते हैं तो 20 रुपए की चीज कैसे खरीद सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, और इच्छा होगी तो भी नहीं खरीद पाएंगे, इच्छा को मारेंगे। जब इच्छा हमारी दबेगी तो क्या होगा, मन परेशान होगा, विचलित होगा। जब कभी भी भौतिक संसाधनों की जो असफलता हमें मिलेगी वो विचलित करेगी, यानी कि जो भी हमारे सामाजिक संबंध हैं या सामाजिक संसाधन हैं उन पर हमारा नियंत्रण नहीं होगा तो वह हमारे कर्मों को भी प्रभावित करेगी, हमारे एक्शंस को प्रभावित करेगी। और यही बात मार्टिन कहते हैं कि जब लक्ष्यों को अस्वीकारना होता है तो साधनों को स्वीकारना है। जैसे कि एक छात्र कॉलेज जाता है किंतु कक्षा में नहीं जाता है, कैंटीन में ही बिताता है, तो वो क्या करता है, उसका कि यार मैं निकला तो कॉलेज के लिए था लेकिन आज क्लास नहीं गया तो मेरा नुकसान हो गया। उसका क्लास जाने का मन नहीं है और फिर भी वो क्लास की बातों को लेकर परेशान है कि आज मेरा ये टॉपिक छूट गया। तो ये जो अनुकूलता है, ये जो कंफर्ट जोन है, शायद अगर उसे क्लास में वो कंफर्ट जोन मिलता तो वो कहीं ना कहीं अपनी उस विचलन को जो है वो दूर कर देता। कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं अपने रिजल्ट को लेकर, हम कर्म तो करते हैं लेकिन फिर रिजल्ट की चिंता करने लगते हैं कि अगर नहीं हुआ तो, और जैसे ही निगेटिविटी आती है वैसे ही विचलन प्रारंभ हो जाता है। ये जो विचलन है ये कहीं ना कहीं निगेटिविटी के कारण भी आता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले मोस्टली छात्रों के जीवन में होता क्या है वो उसको एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए। लगभग 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं हर साल यूपीएससी का और 5 लाख लोग ही एग्जाम देते हैं। तो ये 5 लाख लोग कौन है जो एग्जाम को छोड़ देते हैं, ये वही लोग हैं जो रिजल्ट के बारे में सोच लेते हैं कि यार तैयारी तो है नहीं, क्यों अपना अटेम्प्ट बर्बाद किया जाए। यानी कि भविष्य के बारे में सोचना, और क्या सोचना, नकारात्मक चीजें सोचना। नकारात्मकता आएगी तो वो क्या करेगी,
हमारी अनुकूलता को समाप्त करेगी, हमारी कंफर्ट जोन को समाप्त करेगी और उससे क्या होगा, विचलन प्रारंभ होगा। और यही विचलन जो है समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, सभी के लिए नुकसानदेह है। तो समझ में आ रहा है कि ये जो मर्टन जो कह रहे हैं, जिन्होंने सीखा पार्सन्स जी से, वह किस प्रकार से विचलन और अनुरूपता को बताने की कोशिश करते हैं कि यह किस प्रकार से सामाजिक संबंधों को प्रभावित करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह जो कॉन्सेप्ट है अनुरूपता और विचलन का, इस समझ में आया होगा। आलोचनात्मक मूल्यांकन आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। तो आप लोग ये देखिएगा कि अमेरिकी समाज के बारे में जो है, जिस प्रकार से उन्होंने अध्ययन किया, उसमें आलोचक क्या कहते हैं, ये आपको बस थोड़ा सा अपना एक दृष्टिकोण डेवलप करना होगा। अदरवाइज ये जो अनुरूपता और विचलन का सिद्धांत है, ये पूरा होता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे अगले वीडियो में जल्द ही। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।